नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पूरे देश में आज 15 अगस्त को आजादी का त्यौहार मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को साल 1947 में इसी दिन 200 साल के राज के बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 2020 को आज़ादी के 73 साल पूरे हो चुके हैं और देश 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हालांकि इस साल संक्रमण के कारण लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा गया है। रक्षा मंत्री स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को संदेश में कहा कि भारत दिलों को जीतने में भरोसा करता है जबकि जमीन जीतने में नहीं। उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने स्वाभिमान की भावना को आहत होने देंगे। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के ऊपर कम दाब का क्षेत्र बन रहा है और इसका असर राज्य के मौसम पर अगले 3 दिनों तक दिखाई देगा। बता दें कि मौसम विभाग ने 15 अगस्त और 16 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई है और इसे लेकर राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। CBSE 12th के लिए वैकल्पिक परीक्षा सितंबर में होंगे। CBSE 12th के छात्रों के लिए वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार के इच्छुक छात्रों के वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन सितंबर में किया जाएगा। CBSE द्वारा कहा गया है कि ऐसे छात्र जो मूल्यांकन योजनाओं के आधार पर घोषित किए गए 12वीं की परीक्षा के नतीजे में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए वैकल्पिक परीक्षा 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा के साथ कराने का प्रस्ताव है। झारखंड में आज 1175 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो बोकारो से 12, चतरा 18, देवघर 14, धनबाद 23, दुमका 27, पूर्वी सिंहभूम 169, गढ़वा 27, गिरिडीह 107, गोड्डा 18, गुमला 19, हजारीबाग 66, जामताड़ा 6, खूंटी 6, कोडरमा 83, लातेहार 22, लोहरदगा 23, पाकुड़ 1, पलामू 47, रामगढ़ 78, रांची 276, साहेबगंज 28, सरायकेला 36, सिमडेगा 36 और पश्चिमी सिंहभूम से 38 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 22,125 है, जबकि 13,678 लोग स्वस्थ हुए और 224 की मृत्यु हो गई। में कुल संक्रमितों की संख्या 25,25,222 है, जबकि 18,07,556 लोग स्वस्थ हुए और 49,134 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 65,610 मिले हैं। झारखंड में संक्रमण के साथ मौत के आंकड़े में भी तेजी आई है। शुक्रवार को 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो पूर्वी सिंहभूम से 8, देवघर से 2, रामगढ़ से 2, रांची से 2 और हजारीबाग से 1 हैं। राज्य में 565 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जो इस प्रकार है। बोकारो 50, देवघर 59, दुमका 18, धनबाद 78, पूर्वी सिंहभूम 65, गढ़वा 14, गिरिडीह 9, गोड्डा 25, हजारीबाग 27, जामताड़ा 2, कोडरमा 20, लातेहार 4, पलामू 78, रामगढ़ 2, रांची 51, साहिबगंज 20, सरायकेला 11, सिमडेगा 7 और पश्चिमी सिंहभूम से 25 लोग स्वस्थ हुए। संक्रमण की जानकारी या सलाह के लिए टोल फ्री नंबर जारी। रांची जिला के लोगों के लिए संक्रमण संबंधी जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर 9266657555 जारी किया है। NHM के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने नामकुम स्थित RCH सभागार में इस इंटरएक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम की शुरुआत की है। इस प्रणाली का उद्देश्य अति संवेदनशील तथा दुरुस्त इलाकों में रहने वाले लोगों तक संक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूबे के शहरी श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। CM ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना और वेब पोर्टल की शुरुआत की। इससे राज्य में शहरी अकुशल श्रमिकों को एक वित्त वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निबंधन के 15 दिन में यदि रोजगार नहीं मिले तो श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कैदियों की इम्यूनिटी के लिए जेल में तुलसी के 4000 पौधे लगाए जाएंगे। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची होटवार के कैदियों को संक्रमण से बचाने के लिए जेल परिसर में तुलसी के 4000 पौधे लगाए जाएंगे। जेल प्रशासन ने कहा है कि तुलसी का पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी है। आपको बता दें कि पहले से भी जेल में तुलसी के काफ़ी पौधे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन, कार में AC चलाने से भी हो सकता है संक्रमण। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार को कुछ गाइडलाइन जारी की है। इसमें सभी सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारी से कहा गया है कि वे कार में AC का इस्तेमाल नहीं करें, यात्रा करते समय वाहन का शीशा खुला रखें और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
झारखंड के 24 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित 24 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है। इसमें 12 को राष्ट्रपति वीरता पदक, 1 को विशिष्ट सेवा पदक और 11 को सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नाम की घोषणा की गई है। झारखंड के प्रतिभाशाली छात्रों को मिलेगा विदेश में पढ़ने का मौका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका देने जा रहे हैं। कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। विश्व अस्त सूत्रों से यह जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि संथाली भाषा के ओल चिक्की लिपि के प्रणेता रघुनाथ मुर्मू के नाम से एक स्कॉलरशिप शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत राज्य के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के नए लोगों का अनावरण आर्यभट्ट सभागार में किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो आदि भी उपस्थित थे। राज्य का नया प्रतीक चिन्ह गोलाकार है। शिक्षक संघ द्वारा संक्रमण ड्यूटी से मुक्त किए जाने की मांग। धनबाद अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव नंदकिशोर सिंह ने मांग की है कि लंबी अवधि से प्रतिनियुक्त एवं विद्यालय के प्रभारी शिक्षक को संक्रमण के कार्य से मुक्त किया जाए, ताकि उन्हें कुछ शारीरिक व मानसिक राहत मिल सके, साथ ही वे अपने विद्यालय का कार्य संपन्न कर सकें। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की ढूंढने के लिए एम स्ट्रिप ऐप तैयार। एशिया के प्रसिद्ध पलामू टाइगर रिजर्व ने बाघों को ढूंढने के लिए एम स्ट्रिप नाम का एक ऐप तैयार किया है। इससे बाघों को ढूंढने में मदद मिलने के साथ पीटीआर में विचरण करने वाले सभी वन्य जीवों की जानकारी मिलेगी, साथ ही शिकारियों की गतिविधियों पर भी पैनी नज़र रखी जा सकेगी। ऋण माफी योजना 15 अगस्त को सीएम करेंगे लॉन्च। आज 15 अगस्त को झारखंड में किसानों के लिए ऋण माफी योजना लॉन्च की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। झारखंड में 7.5 लाख किसान कर्ज में डूबे हैं। इन किसानों पर करीब 7 से 8 हजार करोड़ का कर्ज है। जाहिर है बजट में ऋण माफी के लिए किए गए 2 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किसानों के ऋण माफी के लिए काफ़ी न होगी। खरीफ फसल से आय दोगुनी करने को लेकर किसानों का होगा मार्गदर्शन। रांची में खरीफ फसल में धान की रोपनी का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन के फसल के लिए भी खेत में बीज लगाने का काम किसान पूरा कर चुके हैं। रांची के 18 प्रखंड में 242 लैंप्स के माध्यम से बीज बांटा गया था। रांची जिला सहकारिता कार्यालय की ओर से अच्छी पैदावार और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस बार 7 उन्नत प्रभेद के धान के और दलहन और तिलहन की खेती के लिए भी बीज का वितरण किसानों के बीच अनुदानित दर पर किया गया है। वकीलों को आर्थिक मदद के लिए 50 लाख रुपये जारी। झारखंड के वकीलों को आर्थिक मदद के लिए 50 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। वकीलों को अधिकतम 5000 की मदद की जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी के कोष से यह सहायता दी जा रही है। लॉकडाउन में अदालत का काम सामान्य तरीके से नहीं होने के कारण कई वकीलों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। वकीलों ने अपने बार संघों के माध्यम से आर्थिक मदद देने का आग्रह बार काउंसिल से किया था। प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने में सरकार विफल, मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके हुनर के अनुसार सरकार काम देने में विफल रही है। संकट काल में वापस लौटे मजदूर फिर पलायन करना चाहते हैं। यह परिस्थिति इन प्रवासी मजदूरों को उनके हुनर के अनुसार काम उपलब्ध कराने में झारखंड सरकार की विफलता का परिणाम है। स्थानीय नीति पर सदानों का विचार जाने सरकार। मूलवासी सदान मोर्चा के सचिव विशाल कुमार सिंह ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर मुख्यमंत्री का बयान स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार को नीति को परिभाषित करने से पहले 65% मूलवासी सदान के विचार से भी अवगत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति बनाने को लेकर शुरू से मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में आंदोलनरत रहा है। पूर्व की सरकार को भी मूलवासी सदान मोर्चा ने स्थानीय नीति को परिभाषित करने से पहले कई बिंदुओं पर अपनी राय दी थी। सामूहिक इस्तीफा के लिए मनरेगा कर्मियों का हस्ताक्षर अभियान शुरू।
राज्य के मनरेगा कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल 19वें दिन भी जारी रही। कर्मियों ने 20 अगस्त को सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में शुक्रवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है। इस्तीफा पर मनरेगा कर्मी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस बीच मनरेगा कर्मी अपने अपने क्षेत्र में विधायकों से भी मिल रहे हैं और उन्हें मांग पत्र के साथ ज्ञापन सौंप रहे हैं। 15 अगस्त से नशा मुक्त अभियान शुरू। रांची जिला में 15 अगस्त से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में अभियान के लिए बनी टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने भारत सरकार के निर्देश के आलोक में साप्ताहिक एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने पहले ही तंबाकू उत्पादकों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। अभियान के तहत लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाना है। ITI 2020 एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने ITI में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। JCECE की वेबसाइट पर छात्र छात्राएं मेधा सूची देख सकते हैं। बता दें कि 10वीं पास के लिए राज्य भर में 13,850 जबकि 8वीं पास के लिए 591 छात्रों की मेधा सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि 10वीं में 35% तक को जबकि 8वीं में 36.4% तक के छात्रों को मेधा सूची जारी की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर बड़े वाहनों का शहरों में प्रवेश बंद। स्वतंत्रता दिवस को लेकर यातायात पुलिस ने शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस दिन बड़े वाहनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। मोराबादी स्थित कार्यक्रम स्थल पर संक्रमण को देखते हुए सीमित व्यक्तियों की सहभागिता के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। आबादी के अनुसार झारखंड में संक्रमण का खतरा कम। झारखंड के लिए राहत भरी खबर यह भी है कि संक्रमण अन्य कई राज्यों की तरह खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचा है। यहां हाल के दिनों में बड़ी संख्या में नए मरीज मिलने के बावजूद आबादी के अनुसार उतना संक्रमण नहीं फैला है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि देश के जिन 5 राज्यों में 10 लाख की आबादी पर कम लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें झारखंड का भी नाम सम्मिलित है। बता दें कि झारखंड में अब तक 10 लाख आबादी पर महज 543 लोग ही संक्रमित हुए हैं। इस श्रेणी में झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा सिक्किम सम्मिलित है। संपूर्ण लॉकडाउन नहीं तो अन्य सेक्टर भी खुले चैम्बर। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री से कहा है कि यदि सरकार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं कर रही है तो इसे सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट देनी चाहिए। चैम्बर के अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार ने 31 अगस्त तक बिना किसी नई छूट के लॉकडाउन को प्रभावी बनाया है। ऐसे में होटल, रेस्तरां, हॉल, लॉज, धर्मशाला, सैलून आदि को भी प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।